नमस्कार, आप देख रहे हैं namovarmedia.com। समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में झांसी जिले के सिजारी खुर्द में किसान पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को सुनकर दूर करने का भरोसा दिया। किसान पंचायत में किसानों ने विद्युत, पानी, अन्य जानवरों से बचाव, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय समेत अन्य समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए उन्होंने जहां किसानों ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं आंदोलन करने की चेतावनी दी। समस्याओं को सुनते हुए किसानों ने कहा कि बिजली विभाग की भ्रष्टाचार के कारण वे खून के आंसू बहा रहे हैं। किसानों ने बताया कि गांव में एक डीपी पूरी तरह फूकी है, एक डीपी आधी फूकी है। लगभग डेढ़ माह हो चुके हैं, लेकिन डीपी को नहीं बदला गया है, जिस कारण 300 लोग हरिजन बस्ती में प्रभावित हैं। इसके अलावा अन्य जानवर खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को शीघ्र ही दूर किया जाए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मोहरानीपुर से नरेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गाँव में जो है किसान अन्य जानवरों से परेशान है। करीब 200 पशु यहाँ अन्य जानवर हैं, वो गौशाला है नहीं, और एक श्री प्रकाश प्रजापत को जानवरों ने मारा तो वो बुरी तरह से घायल अवस्था में घर पर पड़ा हुआ है। आपने किसी शिकायत नहीं की गौशाला बनवाई है? गौशाला के कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जनपद झांसी के गांव सिजारी खुर्द में आज किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर पंचायत हुई, जिसमें गाँव की विकराल समस्या है विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी, अवैध वसूली के चलते यहाँ का किसान खून के आंसू रो रहा है। डेढ़ महीने से यहाँ पर 2 डीपी फूकी है और भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आखिर इस टाइम किसान अपने खेत की सिंचाई करेगा, फसल पैदा करेगा या उसकी फसल सूख जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? दूसरी है, यहाँ पे लगभग 300 की आबादी जो अंधेरे में एक महीने से जीवन यापन कर रही, और यहाँ का भ्रष्ट विद्युत विभाग किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी को लेकर कल मऊरानीपुर विद्युत विभाग का घेराव किया जाएगा, और समस्याओं को देखते हुए अगर नहीं होगा तो फिर चक्का जाम किया जाएगा, और जो किसानों से बन पड़ेगा वो किसान यहाँ का करेगा।